अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। गली नंबर 35, हाउस नंबर 2। बांद्रा चलोगे? प्रदीप हो रहा है, जल्दी चलो। प्रदीप, कहाँ भाग रहा था? तुझे क्या लगा राजवीर तुझे देख लेगा और भागने देगा? अभी तो तू पकड़ में आ गया है। तू सच बता मुझे, हॉस्पिटल में मुझे मारने क्यों आया था? मैंने कब, मैं भला तुम्हें क्यों मारना चाहूंगा? झूठ मत बोलो। मैंने CCTV फुटेज देखी, मुझे पता है सच क्या है। मैं तुम्हारा सच जानता हूं, तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करना भी मत। बताओ सच, हॉस्पिटल में क्यों मारने आए थे मुझे? बोलो बोलो बोलो। नहीं बोलोगे ना? बताता हूं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वो तुम्हें मारना चाहता था। वो कौन? अंशुमन पांडे। अंशुमन पांडे मुझे क्यों मारना चाहेगा? क्योंकि जब उसका कोई दोस्त दुश्मन बन जाता है तो वो उसकी जान ले लेता है। अब तुम उसके लिए काम नहीं करते हो, इसलिए वो तुम्हें भी मार देना चाहता है। देखो, मैं तो एक मामूली सा डिटेक्टिव हूं, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। जिन लोगों ने तुम पर अटैक किया, ना तो मेरा उनसे कोई लेना देना है और ना ही मेरा अंशुमन पांडे के किसी प्लान से लेना देना है। मैं तो वहां उस दिन उस हॉस्पिटल में भी कोइंसिडेंटली पहुंचा था। हाँ, तुम हॉस्पिटल में कहाँ हो ये मैंने उन्हें जरूर बताया था, पर इसके अलावा मैंने उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जबकि मैं तो एक बहुत बड़ा सच भी जानता हूं। कैसा सच? यही कि तुम करण लूथरा के बेटे हो, उसका अपना खून, और प्रीता तुम्हारी माँ है, यानी करण लूथरा की पत्नी। पर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, इसलिए मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। What? करण लूथरा तुम्हारा बाप? कैसा इंसान है वो? कैसा बाप है? उसका एक बेटा सलाखों के पीछे है और दूसरा ऐसी कंडीशन में, और वो अपनी लाइफ में मस्त है। ओह, अब सारी कड़ियां जुड़ गई, अब सारा सच मेरे सामने आ गया। उस दिन मेरा ये स्टूपिड डिटेक्टिव दारू के नशे में मुझसे कह रहा था कि तुम्हारी माँ का दिमाग खराब है, उनको मेंटल इश्यूज हैं। उसने एक जगह का नाम लिया था, क्या नाम था? हाँ, कमशेदपुर। वहां के लोग तुम्हारी माँ पे हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और उनकी बर्बादी के पीछे उन्हीं का पति। मानना पड़ेगा इस करण लूथरा को, बहुत स्मार्ट है। उसकी लाइफ में इतना मैस चल रहा है, लेकिन फिर भी वो ठाट से रह रहा है। बहुत शातिर है वो, लोगों को इस्तेमाल करना जानता है, उनको अपनी तरफ करना जानता है। जैसे पहले तुम मेरे साथ मिलकर उसको बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन अब उसने कितनी चलाकी से तुम्हें अपनी तरफ कर लिया, अपने काम में लगा लिया। जिस इंसान ने तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम उसके लिए लड़ रहे हो? अरे कैसे बेटे हो यार, जिस इंसान ने तुम्हारी माँ की ये हालत करी है, तुम उसकी हेल्प कर रहे हो? तुम जैसा बेटा भगवान ना करे किसी माँ का हो। बेचारी तुम्हारी माँ। चुप डैडी, छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान ले लूंगा तेरे। रुक, पहुंचते कहाँ है? रुक, हिम्मत है तो यहाँ आके बात कर।
कैसा बाप है? उसका एक बेटा छह सलाखों के पीछे और दूसरा ऐसी कंडीशन में हमारी माँ पे हंसते हैं, बेटा का मजाक उड़ाते हैं। भगवान न करे किसी माँ का हो। ये उतार। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। ये पगली है, पगली। पता नहीं ऐसे लोग आते क्यों हैं? कैसा बाप है? उसका एक बेटा सलाखों के पीछे और दूसरा ऐसी कंडीशन में, और वो अपनी लाइफ में मस्त है। अरे कैसे बेटे हो यार, जिस इंसान ने तुम्हारी माँ की ये हालत करी है तुम उसकी हेल्प कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं आपसे मिलने आ ही रहा हूँ मिस्टर मित्तल। ओके, नहीं नहीं, आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, मैं अभी। एक मिनट होल्ड कीजिए। राजवीर, राजवीर तुम? हाँ। क्या हुआ? राजवीर, लेकिन मैं ना कहीं राज करता हूँ ना कहीं कबीर हूँ मैं, पर आपने ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मेरा सुख चैन सब कुछ छीन के रख दिया। मैं आपके इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। क्यों दिया आपने? हाँ, क्यों दिया अपना खून? क्यों बचाया मुझे बताइए? मैं बताता हूँ, ताकि आप मुझे मैनिपुलेट कर सके, ताकि मेरे अंदर की नफरत खत्म कर सके, ताकि मुझे अपना गुलाम बना सके और आपके मन में जो आए मुझसे करवा सके, ताकि आपको मुझसे हेल्प मिले। आप पता है क्या करते हैं? आप सिर्फ एक खिलौना बनाना जानते हैं जिसे आप जब चाहे खेल सके, और आप बहुत ही अच्छे मैनिपुलेटर हैं, कमाल के मैनिपुलेटर हैं आप। और पता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो उसकी हेल्प ऐसे करते हैं ताकि उसे लगने लगे कि वाह कितने अच्छे इंसान हैं, कितने महान इंसान हैं। और मैं जानता हूं ये कोई नई बात नहीं है, ये आदत बहुत पुरानी है आपकी, लोगों को मैनिपुलेट करने की, अपने प्यार के झांसे में फंसाने की। पहले आप प्यार दिखाते, उन्हें जॉब देते, काम देते, पैसा देते, और उसके बाद अपने इशारों में नचाना जानते आप, और कुछ भी नहीं। आप बस एक बहुत अच्छे मैनिपुलेटर हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है आप। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों मुझे बचाया? क्यों दिया अपना खून? क्या करवाना चाहते? क्योंकि तुम मेरा खून हो। बेटे हो तुम मेरे, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।